ये मैंने 100 ग्राम पोहे भिगो कर रख दिए, पानी में धोए और इसमें एक चम्मच शक्कर डालकर इस तरह इसको भिगो कर रख दिए। अब मैं इसको स्टीम करूंगी पोहे को। मैं इसमें डालूंगी राई, इसमें डालूंगी मैं जीरा, लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, और हल्दी ज्यादा डालते हैं, नमक आधा चम्मच डालूंगी इसमें, एक चम्मच जितना घी डालेंगे। अब इसको हमको इस तरह से घुमाना है। इस तरह हमने घुमा लिया। अब हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया। अगर कढ़ाई ये काली हो जाती है तो इसमें हम इस तरह से नींबू डाल देंगे तो ये हमारी कढ़ाई थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। अब ये पानी उबल जाएगा, हम इसको इसमें रख देंगे ढक्कन लगा के और ये गैस बंद कर देंगे। इस तरह से रखेंगे और अब हम गैस बंद कर देंगे क्योंकि पानी नीचे गर्म हो गया है। अब ये 2 मिनट में अच्छे से गर्म हो जाएंगे। अब हम प्याज टमाटर काटेंगे। स्टीम पोहे बना रहे हैं। अब मैं ढक्कन हटा रही हूँ। नीचे मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया था, ऊपर से मैंने इस तरह से पोहे डाल दिए थे। ये नींबू इसलिए डाला तो कढ़ाई काली नहीं होगी, साफ रही होगी। ये पोहे मैंने घुमा के देखूं, इसमें मैंने जीरा राई और नमक लाल मिर्च गाजर कद्दूकस करके डाल दी थी। मैंने पोहा धो के उसमें आधा चम्मच शक्कर डाल दी थी। अब इसमें मैं डालूंगी प्याज टमाटर हरा धनिया हरा मिर्ची चाट मसाला। इसमें जाएगा नींबू, नींबू आप जितना भी डाल सकते हैं। अब हम इसको घुमाएंगे। बाजार के पोहे तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे प्लेट में। पोहा लाइक करें।